हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक वीडियो जो कि आप सभी के बहुत काम आएगा। अब गणेश चतुर्थी नज़दीक आ रही है, पूजा के लिए तो तांबे पीतल के बर्तन को तो साफ करना ही पड़ता है। बर्तन घर में रख रख कर वो काले पड़ जाते हैं, अगर हम उसे पाउडर से साफ करेंगे तो हाथ काले पड़ जाते। तो मैं आपके लिए बहुत ही आसान तरीका लेकर आई जो कि आप सभी को भी बहुत पसंद आएगा। इस तरीके से आप बर्तन साफ करेंगे तो बिना मेहनत किए आप इसे आसानी से चमका सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको मेरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए। चैनल पर नए मेहमान आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ बर्तन लिए, तो इसमें तांबे का लोटा लिया है, पीतल का लोटा जो कि मैं अक्सर साफ करती हूँ, पर आपको दिखाने के लिए मैंने इसे साफ नहीं किया है। तो मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी कि आप इसे मिनटों में साफ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ नींबू के छिलके लिए, इसके बाद इमली आधा कटोरी से थोड़ा सा कम है ये। नींबू के छिलकों को हम एक कुकर में डालते, अक्सर हम नींबू के छिलकों को फेंक देते, मगर आप इस तरह से इसका इस्तेमाल करेंगे तो बर्तन आपके आसानी से साफ हो जाएंगे। इसके बाद इमली, अभी हम हमारे बर्तन इसके अंदर एक एक करके डाल देते हैं कुकर के अंदर। इस तरह से मैंने सारे बर्तन कुकर के अंदर डाल दिए। अभी हम इसमें पानी इतना डालेंगे कि बर्तन आसानी से पानी के अंदर डूबने चाहिए, इतना पानी हम डालेंगे कुकर के अंदर। कुकर का हम ढक्कन लगा लेते, गैस ऑन कर हम इसे 4 सीटी होने देते। कुकर की 4 सीटी हो चुकी है, कुकर पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अभी हम इसे खोलते हैं, आप देख सकते हैं कि बर्तन हमारे कितने अच्छे से चमक रहे हैं। बिना मेहनत बिना झंझट हमने इसे बहुत ही आसानी से चमका लिया है, बिल्कुल नए बर्तन की तरह ये लग रहे हैं। कुकर के अंदर से हम सारे बर्तन निकाल लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ये तरीका कैसा लगा बर्तन साफ करने का, है ना बिल्कुल आसान। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये चमक रहे। किसी कॉटन का एक कपड़ा लेकर हम इसे अच्छे से पोंछ लेते ताकि इसके ऊपर काले धब्बे ना पड़े। तो आने वाले इस गणेश चतुर्थी की पूजा पर आप इस तरीके से अपने बर्तन को साफ कीजिए, कुछ ही मिनटों में बिना झंझट किए आप इसे चमका सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसी तरह से हम सारे बर्तन को पोंछ लेते हैं। आप सारे बर्तन को देख सकते हैं ये कितने अच्छे से चमक रहे, एकदम पॉलिश किए हुए बर्तन की तरह लग रहे हैं नए नए। तो दोस्तों कितने आसानी से बिना झंझट हमने तांबे और पीतल के बर्तन को चमकाया। तो दोस्तों आप भी सभी इस तरीके से अपने बर्तन को चमकाइए। वीडियो पसंद आए हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फैमिली दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं आपके लिए ऐसे ही अलग अलग वीडियो लेकर आऊँगी। तो दोस्तों मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।